और खबरों में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कुछ कांग्रेसी नेता भगवान राम का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि आप बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या? तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है। तो वहीं प्रमोद कृष्णम के बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया और कहा कि भगवान राम सबसे बड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। बीजेपी कहती है राम सिर्फ हमारे हैं, वो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के हैं, ये पशु पक्षी जीव जंतु सब राम के अंडर में। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कह भी दिया, ग्रेट कृष्ण, उन्होंने कहा कि भैया ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से अर्जुन। तो आप इसमें कांग्रेस बीजेपी से बड़े हैं राम और कृष्ण। कौन है कांग्रेस बीजेपी? क्या कर लेगी कांग्रेस बीजेपी? 76 वर्ष है हमारी उम्र, देश की आज़ादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए। कांग्रेस बीजेपी देश भारत को आज़ाद हुए, उसके बाद डेमोक्रेसी लागू हुई है, तो 76 वर्ष से ही तो चुनाव हो रहे हैं। हम कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को इतनी गलतफहमी हो गई, हम इतिहास को चैलेंज करने लगे, भगवान को चैलेंज करने लगे। भैया भगवान तो भगवान है, राम और कृष्ण को तो कोई चैलेंज नहीं करता। आपको पता है जब राम मंदिर का फैसला हुआ उस वक्त मुस्लिम संगठनों ने, ईसाई संगठनों ने, सब ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। राम जी की कृपा थी कि राम मंदिर तब फैसला आया, उसी के फैसले से तो राम मंदिर बना, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यहाँ राम मंदिर बनेगा। और मुस्लिम संगठनों ने अपनी अपील वापस ले ली और समझौता हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उधर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान का समर्थन किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब चुनाव, राहुल गांधी इन दिनों केदारनाथ के दर्शन पे गए हैं, जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर याद आते हैं, ये मंदिर मंदिर दर्शन करने जाते हैं। वो गुजरात का चुनाव था तब भी, चाहे अब, वह जब चुनाव के दिनों में ही मंदिर के दर्शन करते हैं। परंतु कभी इन्होंने उनको नहीं टोका जो कहते हैं कि हम सनातन का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि हम सनातन का उन्मूलन कर देंगे। कभी इन्होंने कार्तिक चिदंबरम को नहीं टोका, कभी प्रयांक खड़गे को नहीं टोका कि आपके बयान जो सनातन के विरोध में आते हैं वो क्यों आ रहे हैं। कभी इन्होंने अपने जो इंडी अलायंस के पार्टनर, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र महाराज ने भी प्रमोद कृष्णम के बयान को अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। प्रमोद कृष्णम जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए तो उसका वो सुझाव देते हैं, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा से यदि वो प्रधानमंत्री की दावेदार हैं तो उनको सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो अपना हिंदुत्व का सिद्धांत है उसे छोड़ करके यदि जाएंगे तो वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब